मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक संदिग्ध बोलेरो कार से पुलिस ने लाखों रुपए जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग सख्त कर दी है। छतरपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध बोलेरो कार से 13,72,000 रुपए बरामद किए हैं। रकम के साथ एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। ये रकम किसकी है और कहां लेकर जाया जा रहा था, इस बात की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। वहीं हिरासत में लिए गए युवक का कहना है कि ये रकम राम राजा कंस्ट्रक्शन की है। वहीं टीआई कमलेश साहू का कहना है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अवैध तस्करों और संदिग्ध वाहनों पर चौकस नजर बनाए हुए है। और जैसा कि विधानसभा 2023 की आचार संहिता घोषणा होने वाली है और सिविल लाइन पुलिस चुनावी मोड में है, उसी तारतम्य में चुनावी तैयारियों के मद्देनजर ये चेकिंग चल रही थी, तो इनके पास से ये भारी मात्रा में 13,72,000 रुपये बरामद हुए हैं। इसकी जांच की जा रही है, इसके स्रोत की जांच की जा रही है, ये पैसे कहां से आए हैं। पूछने पर इन्होंने बताया कि राम राजा कंस्ट्रक्शन के हैं। अभी इस संबंध में जांच की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।